हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप फोटोज को यानी जेपीजे जो फाइल होता है फोटोज को आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप फोटोज़ को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल फोटोज़ है तो भी आप कर सकते हैं। इसका मैं तीन मेथड्स बताऊंगा, ठीक है, इसका कैसे करना है। पहला जो वेबसाइट है उसका नाम है ilovepdf.com, ठीक है, इसे आप ओपन कर लीजिए। मैं सभी वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको नीचे आना है और आपको सर्च करना है फोटो टू पीडीएफ या फिर जेपीजी टू पीडीएफ, ये रहा जेपीजी टू पीडीएफ, ठीक है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। अभी मेरे पास दो इमेज है, मैं दिखा देता हूँ, ये शाहरुख खान का है और एक सलमान खान का है, दोनों जेपीजी पिक्चर है, जेपीजी, और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी जेपीजी पिक्चर है, ठीक है। अभी हम लोग सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस, ठीक है, मैं अभी जेपीजी इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं दोनों को करके दिखा देता हूँ, दोनों में क्लिक कर लिया, अभी ओपन में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी पोर्ट्रेट में ही चाहिए मुझे, लैंडस्केप में नहीं चाहिए, ये आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। पेपर साइज कितना होता है, ठीक है, A4 ही रहने देते हैं, मार्जिन नो मार्जिन ही रहने दीजिए, रहने देते हैं, ठीक है। फिर मैं कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी डाउनलोड पीडीएफ, इमेजेस हैव बीन कन्वर्टेड टू पीडीएफ, अभी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डेस्कटॉप में ले आता हूँ पहले बार, ठीक है, ये मैं डेस्कटॉप में ले आया, ठीक है। अभी देखिए, ये शाहरुख खान का फोटो था, मतलब जेपीजे पिक्चर था, ये सलमान खान का पिक्चर है, अभी ये दोनों मर्ज होके एक पीडीएफ में आ गया है, आप देख सकते हैं। सलमान खान और ये शाहरुख खान का फोटो एक ही पीडीएफ में आ गया है, ठीक है। ये रहा पहला टेक्निक। जो दूसरा टेक्निक है वो है फोटोशॉप का, ठीक है, मैं शाहरुख खान का फोटो ही दिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ में फोटोशॉप में ओपन कर लेना है ड्रैग करके, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसमें तो टाइम भी नहीं लगेगा। यस, ये फोटो आ चुका है, आपको क्या करना है, फाइल में जाने के बाद सेव एज आ जाएगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस आप दबा सकते हैं तो आ जाएगा। फिर डेस्कटॉप में क्लिक कर लेता हूँ और ये जो फॉर्मेट है इसमें इसे मैं पीडीएफ फोटोशॉप पीडीएफ को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं सेव में क्लिक कर दूंगा। अभी 12 क्वालिटी फुली रहने देते हैं और ओके में क्लिक कर दूंगा। तो शाहरुख खान का एक पीडीएफ यहाँ में आ गया है, देखिए ये है दूसरा टेक्निक, ठीक है, इसे मैं 100% कर लेता हूँ, ये पीडीएफ आ गया है शाहरुख खान का, ये है दूसरा टेक्निक, ये ऑफलाइन एक ऑनलाइन, ठीक है। और थर्ड टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो भी ऑफलाइन काम करता है, ठीक है। जो थर्ड है जो सॉफ्टवेयर है वो है Neps2 करके, आप सर्च कर लीजिए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। Neps2 आप खोल लीजिए और इसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी डाउनलोड Neps2 में क्लिक कर लीजिए तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं स्टार्ट डाउनलोड में क्लिक कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो चुका है, इसे मैं डेस्कटॉप में ले आता हूँ, ठीक है, ये डेस्कटॉप में आ चुका है Neps2, इसे अभी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसमें तो ये इंस्टॉल होगा, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना होगा। एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डेस्कटॉप शॉर्टकट में क्लिक कर देंगे हम, नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे इंस्टॉल होने में और ये हो गया, ठीक है। अभी रन फिनिश में क्लिक करूँगा, ये Neps2 आ चुका है, इसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो Neps2 सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ये भी ऑफलाइन काम करता है, ठीक है। इसका जो होम स्क्रीन है आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अभी हमको क्या करना है, इंपोर्ट फाइल्स, आपको यहाँ में दो तरीके से आप यहाँ में फोटोज ला सकते हैं, उसके लिए आप इंपोर्ट में क्लिक करके डेस्कटॉप में जाके मैं फोटो को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन और एक काम कर सकते हैं आप, ऐसे पिक्चर को सिलेक्ट करके, ये सलमान खान का फोटो है, मैं ड्रैग करके यहाँ में ड्रॉप कर देता हूँ,
ठीक है, और शाहरुख खान का फोटो भी हमें ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। और एक चीज जो मैं फोटोशॉप में दिखाया था उसमें आप एक ही फोटो कर सकते हैं कन्वर्ट, मल्टीपल फोटोज आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से यूज करना पड़ेगा, फोटोशॉप में थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। अगर मुझे पता चलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर अगले वीडियो में बता दूंगा कि फोटोशॉप से आपको मल्टीपल फोटो को पीडीएफ में कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आप अभी यहाँ में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ में सेटिंग्स इंपोर्ट से पीडीएफ ही आ चुका है, ठीक है। अभी से ये ऑल टू, ठीक है। अभी आप सेव पीडीएफ में क्लिक करेंगे, मैं डेस्कटॉप में क्लिक कर दूंगा और ये सेव में क्लिक कर दूंगा। एक बार फाइल नेम आपको देना है, मैं मर्ज्ड बोल के एक बार पीडीएफ का नाम मर्ज दे देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ सेव हो गया है डेस्कटॉप में। इसे मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ, एबो रीडर से ही ओपन करूँगा। तो ये देखिए पीडीएफ आ चुका है दोनों, ठीक है। तो कितना अच्छा प्रोसेस है, मैं तीन तरीका बता चुका हूँ, दो वेबसाइट और एक सॉफ्टवेयर, सॉरी हाँ दो वेबसाइट और एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फोटो को पीडीएफ में, ठीक है। तो यही आज का वीडियो था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए आपके नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।